हेलो, नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव आप सभी सर, मोबाइल को आप रोटेट कर लेंगे। आशीष जी, मोबाइल को रोटेट कर लेंगे। लोग। जी, सबसे पहले लाइव लॉ न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी। थैंक यू सो मच खुशबू रॉय जी, बताएं। सॉरी, नेटवर्क इश्यू के वजह से ये प्रॉब्लम थी, अभी ठीक हो गया। आप अपना सवाल कर सकते हैं फिर से। जी, कोई बात नहीं। वंस अगेन वेलकम टू आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइव लॉन्ग न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सो हमारे मच लाइव लॉन्ग न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जी। जी धन्यवाद खुशबू जी, आप अपना सवाल बताएं। आशीष जी, हाल फिलहाल में आपने एक बयान दिया था जिसमें आपने कहा था अखिलेश कश्यप को लेकर कुछ बयान, विवादित बयान था आपका, तो उसपे अखिलेश कश्यप ने लाइव आकर बहुत सारे अनाप शनाप और बहुत उल्टे सीधे तरीके से उन्होंने आप पे प्रहार किया। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? मैंने कौन सा बयान दिया विवादित? आप मीडिया होकर के आप ऐसा क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं कि मैंने विवादित बयान दिया था? मेरा बयान हो सकता है? कुछ फॉर्चुनर से रिगार्डिंग कुछ बातें की थी उनके बारे में कि जो मतलब एक आप अखिलेश सवाल कश्यप क्लियर करें। जी, ऐसे मैं दिन भर में 10 काम करता हूं, मुझे उतना याद नहीं रहता। आप सवाल, बाइट लाना चाहूंगी चीजें एकदम एक्यूरेट आशीष जी, पूछिए, आपने कहा वही था पूछिए जो आप जानना चाहते हो। जी, आपने कहा था कि अखिलेश कश्यप के पास फॉर्च्यूनर है और उनकी सैलरी मतलब पेमेंट उनको इतना नहीं मिलता। अभी तक उन्होंने लगभग 40-50 सेट गाने दिए होंगे और उनकी पेमेंट इतना ज्यादा नहीं मिलती होगी कि पर सॉन्ग उन्हें 1 लाख मिल जाता होगा, जिसकी वजह से आज वो फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं। तो उसपे उन्होंने फिर से आप पे कटाक्ष किया है और नहीं बहुत नहीं सारे नहीं बयान नहीं दिए हैं कि आप या तो आपने पूरा बाइट नहीं सुना, इंटरव्यू नहीं सुना होगा, आपको आधा जानकारी है। मैंने ये बोला कि खेसारी जी ने बोला कि मेरे राइटर फॉर्च्यूनर से चलते हैं, ठीक है। जी इतना वो मेरे साथ काम करने वालों का स्टारडम हो जाता है कि उनको खूब पैसा मिलता है, खूब कमाते हैं ये वो, और मैं भी देता हूँ, कुछ इस टाइप का उनका बयान था। तो उस पे हमने ये बोला कि खेसारी जी अपने गायक को, अपने राइटर को कितना पेमेंट करते हैं जो फॉर्च्यूनर से चलता है, ठीक है। जी तो जी अभी खेसारी जी को जुड़े हुए, अखिलेश कश्यप को जुड़े हुए खेसारी जी से 2 से 3 साल हुए, अभी 40-50 गाने भी जी नहीं आए उनके। तो कितना, अगर मान लीजिए 40-50 गाने आ भी गए, तो क्या 42 लाख की, 45 लाख की फॉर्च्यूनर खरीदने के लिए पैसे भी तो चाहिए होते हैं? तो क्या खेसारी जी 1 लाख रुपया देते हैं पर सॉन्ग क्या, कि 40-42-50 गाना हो गया होगा उनका, तो उनसे उन्होंने फॉर्च्यूनर खरीद ली। बात यहां सिर्फ अपने काम से फॉर्च्यूनर खरीदने की, अपने अपने जिन्होंने बोला कि हाँ, जिनके सपोर्ट में वो रहते हैं, उनके पैसों से का फॉर्च्यूनर खरीदने की बात हुई थी कि हम देते हैं या हमारे लोगों के पास है हमारी वजह से, ये बात थी। अच्छा, हाँ, एक बात और रिमाइंड और वो करना फॉर्च्यूनर चाहूंगी उनकी आशीष नहीं जी। है, हाँ, एक जी मैं रिमाइंड उनकी करना चाहूंगी कि फॉर्च्यूनर आपने नहीं कहा है था कि वो। फॉर्च्यूनर लेने के लिए कम से कम 1 साल पहले मतलब उसके लिए देना पड़ता है अपॉइंटमेंट, मतलब उसका लेना पड़ता है, उसके बाद जाके मिलती है। तो उन्होंने इसका भी रिप्लाई दिया कि 2 दिन में मैं फॉर्च्यूनर ले सकता हूँ, दिला सकता हूँ, ऐसा सेकेंड हैंड तो उन्होंने हम दो कहा। घंटे में दिला देंगे, सेकेंड हैंड मैं 2 घंटे में दिला सकता हूँ। तो तो और एक लाइव वीडियो भी वो आपका आया फॉर्च्यूनर था किसी कि दूसरे के नाम पर है और अच्छा, सेकेंड हैंड गाड़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी जैसी मेहनत कुबत होती है तो वो आदमी लेता है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशीष जी, अगला सवाल होगा हमारा आपसे कि देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे राइटर हैं जिन्होंने बहुत सारे हिट गाने दिए हैं, लेकिन विवाद नाम की बात जब आती है तो वो हाँ, अखिलेश कश्यप पे ही आगे क्यों अटकती है? एक्चुअली वो विवादित हैं तो आके अटकेगा ही। जहां बात होगी अच्छी चीजों की तो वहां पे उनका नाम नहीं आता है, जहां पे बुरी चीजों की बात होती है वहां पे उनका नाम आता है। तो ये उनके ऊपर है कि उन्होंने अपने आप को ऐसा बनाया है, अपने पर्सनैलिटी को, अपने पॉपुलैरिटी को, अपने करियर को। तो विवाद
वो शुरू से विवादों में रहे हैं, विवाद करना उनको अच्छा लगता है। अभी तो अभी कल परसों हमने देखा, शायद वो गांधी मैदान में धरना और ना करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा उन्होंने अपडेट डाला था। तो उनके अच्छा पास समय है, वो आसिम कर जी, सकते आपने हैं, कहा कि हम लोग के पास उतना समय नहीं है। आपने कहा कि 2 घंटे में मैं वैसी गाड़ी दिला सकता हूँ, सेकेंड हैंड गाड़ी दिला सकता हूँ, इसका क्या मतलब है कि अखिलेश जी ने जो गाड़ी रखी है फॉर्च्यूनर वो सेकेंड हैंड है क्या? पहले तो वो दूसरे के नाम पे है गाड़ी, आप ही बताओ, अगर आप गाड़ी लोगे तो आप अपने नाम पे लेंगे या फिर किसी दूसरे के नाम पर लेंगे, ठीक है। अपने नाम पे और बिल्कुल सेकेंड हैंड लिया है उन्होंने, तो उस पे उन्होंने फर्स्ट हैंड लिया या सेकेंड हैंड लिया, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन उन्होंने नहीं लिया वो गाड़ी। तब उनके नाम, जब से उनके नाम नहीं हुआ तब से वो किसी दूसरे की ही कैसे। गाड़ी है। हेलो, इस बात को सर आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? आप गाड़ी का नंबर एम परिवहन पर डालोगे तो गाड़ी की सारी चीजें लीगल आ जाती हैं। अच्छा, अभी जो भोजपुरी में चल रहा है विवाद लगातार, ये विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा आशीष जी, क्या क्या कारण है आखिर? एक्चुअली मेन बात यह है ना कि खरवास चल रहा है, तो सारे लोग खाली बैठे हुए हैं, तो गाने वाने बज नहीं रहे हैं, तो ये हो रहा है कि भाई चलो कम से कम आपस में लड़ लिया जाए, उसी बहाने आदमी मीडिया में बना रहेगा, तो चलता है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए आशीष जी, तो अगर ऐसा चलता रहा तो ये कहीं ना कहीं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम करेगी, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री से यूपी और झारखंड, यूपी और बिहार को जाना जाता है, हर जगह हमारी पहचान को लेकर भोजपुरी को जानी जाती है। तो अगर इस तरीके की वारदात भोजपुरी इंडस्ट्री में होती रही तो भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम होगी और उसकी वजह से हमारा यूपी और झारखंड भी बदनाम होगा। तो क्या ये चीजें शोभा देती है बड़े कलाकारों को? देखिए, कहीं वे भी हिंसा और ये मारपीट झगड़ा लाइव आना और एक दूसरे को गलत बोलना कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में शोभा नहीं देता, तो मेरे हिसाब से ये सब नहीं होना चाहिए। आशीष जी, आपके तरफ से क्या पहल रहेगी? कहीं ना कहीं आप एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आपके पास कई कलाकार कई गाने के लिए जाते होंगे, हर नए कलाकार भी, बड़े कलाकार भी, छोटे कलाकार भी, आपके तरफ से क्या पहल रहेगी ताकि भोजपुरी जी, इंडस्ट्री में कुछ अच्छा किया जाए? मैं सिर्फ अपनी पहल काम से करता हूं और मैंने काम दिया है, मैं बोल के पहल नहीं करता। अखिलेश कश्यप लाइव आए थे सर, तो उन्होंने कहा था कि आपका दिमाग खराब हो गया है, और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो एक राइटर हैं, डॉक्टर नहीं है, वो मेरे मानसिक संतुलन का अंदाजा ऐसे नहीं लगा सकते। कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में आपका ओहदा अभी भी बहुत बड़े लेवल पे जाना जाता है। ये हमारे श्रोताओं का, हमारे सिंगरों का प्यार है कि वो मुझे प्यार करते हैं और मेरे म्यूजिक को पसंद करते हैं, मेरे काम को पसंद करते हैं। बट अखिलेश कश्यप डॉक्टर नहीं है कि वो मेरे दिमागी हालत का जायजा ले सके और उनको जानकारी हो जाए। तो एक डॉक्टर को भी किसी के दिमाग को खराब और अच्छा कहने के लिए एक टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे तो बयान लोग देते हैं कि चलो किसी बड़े आदमी का नाम ले लो मुंह से और उसी में हिट होते जाओ, जो कि अखिलेश कश्यप हमेशा करते आए हैं। अब पूरी इंडस्ट्री जान चुकी है, पूरा पर्दाफाश हो चुका है, इन लोगों की एक एक चीजें पर्दाफाश हो चुकी हैं, तो अब दिमाग किसका खराब है इसका अंदाजा आप सब लगा सकते हैं। चलिए आशीष जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल है आपके लिए हमारे पास। आपने लगभग में सभी कलाकारों के साथ काम बिल्कुल, किया है, भोजपुरी इंडस्ट्री के कई कलाकार, जितने भी कलाकार हैं सबके साथ काम किया है, क्या लगता है उसमें से जी आप आज तक सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किसके साथ रहा आपका? मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस सभी लोगों के साथ रहा है। एक्चुअली मेरे यहाँ एक अच्छाई भी है, बुराई भी है कि
कि आप जिस भाव में मिलोगे हम उसी भाव में मिलते हैं। अगर आप हमें भैया कहते हो तो हम आपको बाबू कहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ, अगर एक सिंगर की बात आपने करी तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगर से ही सब कुछ होता है, लिरिक्स राइटर से भी होता है, म्यूजिक डायरेक्टर से भी होता है, रिकॉर्डिस्ट से भी होता है, मिक्सिंग मास्टरिंग करने वाले से होता है, कंपनी से होता है, वीडियो डायरेक्टर से होता है कोई एक गाना। तो ये चीज आप समझ के चलिए कि अगर सिर्फ सिंगिंग से होता तो फिर पवन सिंह जी बहुत अच्छा गाते हैं, उनके अलावा किसी का गाना ही नहीं बजना चाहिए। और सिर्फ अगर लेखनी से होता तो मनोज मतलबी जी, गोविंद विद्यार्थी जी, जाहिद अख्तर जी, आर आर पंकज जी, ये लोग बहुत अच्छे अच्छे गाने लिखे हैं, पंकज बसुधरी जी। तो सिर्फ अच्छे गीतों से ही होता तो इन लोगों के अलावा कोई नहीं बचता। और सिर्फ म्यूजिक से बचता तो लॉलीपॉप जो गाना है उसका म्यूजिक बहुत शानदार है, उसका लिरिक्स शानदार है, सब कुछ। तो सिर्फ म्यूजिक से रहता तो फिर आज के डेट में सिर्फ लॉलीपॉप जैसे ही म्यूजिक बजते। तो ये एक पूरा टीम है और एक मोती की माला है, ये इसमें सबका अपना अपना हिस्सा है काम का। कोई गा के निभाता है, कोई म्यूजिक देता है, कोई गाना देता है, सॉन्ग देता है, लिरिक्स, और कोई उसको वीडियो शूट करता है, कोई उस पर एक्ट करता है। तो एक गाने के पीछे बहुत मेहनत होती है और ये सबको नहीं भूलना चाहिए, ये सबको याद रहना चाहिए कि ये एक टीम वर्क है। पर्टिकुलर ठीक है, एक गाने वाले को ही सिर्फ स्टार इस्टेब्लिश होता है, बट मेरे हिसाब से हर एक वो बंदा स्टार है उस गाने का और स्टार कहलाने का हकदार है जिसने उसमें काम किया है। थोड़ा ही सही, लेकिन वो भी स्टार है। अगर उस गाने का लीड एक्टर, एक्ट्रेस या सिंगर स्टार अपने आप को बोलता है तो उस गाने से जुड़े हुए सभी लोग स्टार हैं। ये टीम है और ये टीम होनी चाहिए। जी आशीष जी, अभी एक गाने पे कॉपीराइट आने का भी लोचे के बारे में बहुत सुनने को आ रहा है, इसके पीछे की क्या सच्चाई है? देखिए, इसके पीछे की ज्यादा सच्चाई तो मुझे नहीं पता, बट किसी कंपनी से इन लोगों ने एग्रीमेंट किए थे, पैसे उठाए थे। अब वो ये लोग अपनी बातें नहीं कर पा रहे हैं पूरी, तो कंपनी अपने पैसे वसूल रही है। वो कॉपीराइट, मतलब अभी कॉपीराइट, लोगों का कहना है कि हमारे चैनल पे कॉपीराइट मारा जाता है, जैसे अखिलेश जी भी ने इस बात का जिक्र ऐसे किया, और थोड़ी भी दो किसी तीन को, चैनल है। आप भी YouTube चैनल चलाते हो, ऐसे ही किसी के ऊपर थोड़ी कॉपीराइट मार देगा। कोई रीजन होता है, फेक स्ट्राइक लगेगा, चलो कोई बात नहीं, फेक स्ट्राइक लग गया गाने पे फिर वो क्लियर हो जाता है। जब बात फैक्ट होती है, जब बात कोर्ट तक जाती है, तो आपको उसमें लीगल लड़ना पड़ेगा। आपके धरना देने और लाइव आने से वो नहीं फिनिश होने वाला, कोर्ट में जवाब देना पड़ता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आशीष जी, दिनेश लाल निरहुआ जी भी अपने आप में एक बहुत दिग्गज सिंगर है, भोजपुरी इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार है। वो हर एक छोटी बातों पे लाइव नहीं आते हैं क्या, और बाकी लोग आ जाते हैं, तो क्या रीजन क्या? देखा नहीं जाए, दिनेश जी सिल्वर जुबली स्टार हैं और इस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी चीज है वो, और ऐसी चीजों पे वो ध्यान नहीं देते क्योंकि उन्हें पता है कि इसका निष्कर्ष कुछ निकलने वाला नहीं है, ये बस 10 दिन चलेगा, उसके बाद फिर सब वही होना है। तो दिनेश जी इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेते, वो अपने काम में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। एक्चुअली हमने ये सवाल आपसे इसलिए किया क्योंकि आपको अक्सर दिनेश लाल यादव जी के साथ देखा जाता है, तो और एक गाना भी पिछले ईयर काम हिट है हुआ था तो काम आपका, एक जी, एक सॉन्ग था वो है नहीं गोली बोला। पे जो था, बहुत चर्चित रहा। हाँ, हम लोग साथ में, मतलब दिनेश भैया भी क्रिएटिव माइंड हैं, प्यारेलाल कवि जी भी हैं उनके साथ में, विजयलाल यादव जी हैं उनके साथ में, प्रवेश लाल यादव जी हैं उनके साथ में, हम लोग सब साथ बैठ करके किसी सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं, एक अलग चीज बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें अश्लीलता ना हो जाता या फिर ना ही हो, खत्म हो, उसको सब लोग बैठ के देखे, हंसे, एंजॉय करे, वैसी चीजों पे हम लोग डिस्कस करते हैं। और उस टीम को दिनेश भैया ही लीड करते हैं और उसमें सबकी बातें सुनी समझी जाती है, उसके बाद कोई सॉन्ग आता है बाहर।
ये हम लोग मतलब अपने पब्लिक जो श्रोता हैं दिनेश भैया के और भोजपुरी सुनने वाले, उनके लिए हम लोग ये मेहनत करते हैं कि आपको अच्छी भोजपुरी चीजें में लाके जो सुना आशीष सके। जी, भोजपुरी में जो अभी चल रही है उस चीज को लेकर अभी आप भोजपुरी को कहाँ देखते हैं, जो चीजें अभी मतलब फैलाया जा रहा है? नहीं, भोजपुरी में बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। ऐसे जाहिल गवार लोगों के लिए भोजपुरी नहीं है, और अच्छी चीजें करें, अच्छा काम करें उनके लिए भोजपुरी है। अपने लोगों को जागरूक करें, अपने लोगों को एंटरटेनमेंट दें। तो यहाँ तो व्यूज की लड़ाई चल रही है, नंबर वन की लड़ाई चल रही है, तो ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है। और एक चीज, और दर्शकों को जातिवाद में बांटा जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? मैंने अपने लाइव में आज की सुबह में बोला था कि इस म्यूजिक इंडस्ट्री को कुछ लोगों ने राजनैतिक रूप दे दिया है, कि अब उसको जातिवाद में बांटा जा रहा है, ये कर किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। तो खैर, पब्लिक समझदार है, श्रोता हमारे समझदार है, हमारी इंडस्ट्री के लोग समझदार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक छोटी मानसिकता की छोटी सी बात है, कहीं से कोई जातिवाद और ये जातिगत राजनीति नहीं हो रही है। हाँ, बांटने की भरपूर कोशिश की जा रही है कुछ अवांछनीय तत्वों द्वारा, लेकिन ये गलत है। इसमें इंडस्ट्री में कोई भी जातिवाद नहीं है। एक बात और मैं जिक्र करना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं अगर हम लोग जो हैं दूसरे स्टेट का मूवी देखते हैं, अगर हम साउथ की मूवी देखते हैं या बंगाली मूवी देखते हैं या मराठी मूवी देखते हैं, हम लोग अनुमान लगाते हैं कि वहाँ के लोगों का रहन सहन चाल ढाल ऐसा ही होगा। और अगर हमारी मूवी अगर वो लोग देखेंगे और इस प्रकार की चीजें वहां पे जाएंगी, क्योंकि डिजिटली डिजिटल चीज ज्यादा जल्दी पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं वो तो हमारे बारे में यही सोचेंगे कि हमारा चाल ढाल हमारा रहन सहन यही है, एक्सपेक्टेशन तो कर सकते हैं। जब हम फिल्में बनाते हैं ना, तो सिर्फ फिल्म नहीं बनाते हैं, हम जो जैसे हैं वही चीज बनाते हैं। तो ये हमारे फिल्म मेकर्स को सोचना चाहिए कि हमें फिल्म एक अलग लेवल की बनाएं। और अब फिल्में वैसी बननी स्टार्ट भी हो चुकी हैं, तो अब ज्यादा दिन नहीं है, ये 2022 जो है, 2022 आपको बहुत ही अच्छा करियर लेके जाएगा। बहुत नए नए लोग आएंगे इंडस्ट्री में, नई नई फिल्में आएंगी, जिससे एक टर्निंग पॉइंट बनेगा और इंडस्ट्री अच्छे रास्ते पर आ जाएगी और लोग भी। अच्छा आशीष जी, ये तो विवादों की बात बहुत हो गई, एक ऐसा मोमेंट शेयर करिए दर्शकों के साथ जो आपके जीवन का, भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे खूबसूरत पल रहा हो, जिसे आप आज भी याद करते हो, किन चाहे वो किन्हीं के साथ स्पेंड किया हो। देखिए, मैं जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा कि जब इंसान अपने काम को प्यार करने लगता है, उसे एंजॉय करने लगता है, तो वह उसकी दुनिया हो जाती है। और आप अपनी दुनिया को खूब अच्छे से जियो, खूब ताकि कोई देखे तो कहे कि नहीं यार, ये होते हैं कलाकार, ये होते हैं स्टार, ये होता है स्टारडम। ठीक है, तो मैं हिंदी और भोजपुरी और पंजाबी तीनों इंडस्ट्री में काम करता हूँ, लेकिन क्या है कि कुछ चीजों में नाम नहीं आते, पैसे आते हैं कुछ कुछ जगहों पे। शर्मा जी, एक बार फिर से कनेक्ट कर रही हूँ मैं, वो ऐड हो रहे हैं शायद, अगर इस बार ऐड हो जाए क्योंकि बात। सॉरी, एक्चुअली कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था, इसके वजह से ये हाँ फिनिश खुला हो गया कमरे था। था जी, हाँ, आप बता दें कौन सा क्वेश्चन था, मैं उसे कंप्लीट कर जी दूंगा। मैं कहना चाह रही थी कि विवादित बातों से थोड़ा अलग आपके आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं जो आपके बारे में जानना चाहते होंगे अभी भी। तो जी अच्छा जी आशीष जी, आपने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की?
इन शॉर्ट में एक बार दर्शकों को बताएं। इंग्लिश से किया, और शुरू में मैं थिएटर करता था और साथ में पढ़ाई भी चलती थी। तो हम अपने होम टाउन से ही थे, पिताजी के थ्रू हम शहर में आए थे और वो लेकर के हम लोग को आए, जहाँ पे मैंने थिएटर ज्वाइन किया। उसके बाद म्यूजिक की शुरुआत हो गई, एक्टिंग की शुरुआत हो गई, बस धीरे धीरे वो सफर बढ़ता गया और आज एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं। आशीष जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? खैर, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोगों को नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, गुड नाइट, शुभ रात्रि। क्योंकि नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है, फिर कभी नेक्स्ट डे करते हैं। हर हर महादेव। ओके आशीष जी, बाकी बातें हम अगली बार करेंगे आपसे, और आप भी हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार बाकी बातें करेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत जल्दी लेके आएंगे आप लोगों के साथ। कोशिश है कि अगली बार लाइव ना आकर डायरेक्ट हमारी बातें उनसे होंगी, जिसमें जो वीडियो भी बहुत जल्द आएगा हमारे चैनल पे। तो अगर आप चाहते हैं इसी तरीके की दिलचस्प बातें सुनना और भोजपुरी के चहेते कलाकारों से मिलना, हमारे पेज को फॉलो जरूर कर ले जाते जाते, और कीप सपोर्टिंग। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े, बहुत अच्छा लगा। लाइव लॉन्ग न्यूज में आप सभी का स्वागत भी है, और यहाँ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी नमस्कार, मिलते हैं अगले एपिसोड में।